हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सुई इलेक्ट्रॉनिक्स। ये सैमसंग Z700F है, इसमें FRP लॉक लगा हुआ है। आइए इस वीडियो में देखते हैं इसको कैसे अनलॉक किया जाता है। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए, वरना आपके समझ में नहीं आ पाएगा ये कि इसको कैसे अनलॉक किया जाता है। एकदम सिंपल है, इसको हम स्विच ऑफ करेंगे। ये देख सकते हैं आप, FRP लॉक ऑन है। इसमें ओडिन ओपन करेंगे, ओडिन ओपन करने के बाद इसमें कॉम्बिनेशन फाइल डालेंगे अपन। मेरे पास ये देखिए, ओडिन ओपन कर लिया अपन ने। ऑटो रिपोर्ट पे चेक किया हुआ रहने देना है। AP को ओके करेंगे तो ये कॉम्बिनेशन फाइल है जो कि मैंने डाउनलोड की है। मेरे पास वो Z3X बॉक्स है उसके सर्वर से। ये देखिए उसका सर्वर है Z3X का सेल, इसमें ये कॉम्बिनेशन फाइल है जो मैंने डाउनलोड की है। 294 MB समथिंग है, 24/4/2017 को ये अपलोड हुई हुई है। इस फाइल को डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद इसमें इंस्टॉल कर देंगे। ये फाइल लेने में थोड़ी देर टाइम लेगा, बाकी तब तक मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ, अब देखते रहिए। अभी इसने फाइल ले ली है और मैंने इस फाइल को इस पर अपलोड कर दिए। ये अपलोड करने के बाद ये ऑटोमेटिक रिबूट होगा और उसके बाद इस टाइप से ऑटोमेटिक खुल जाएगा। तो आपको इसमें वीडियो पॉज किया और इसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है, बाकी आपको बैकअप एंड रीसेट में जा करके इसको रीसेट करना है। रीसेट करने के बाद इसको स्विच ऑफ, रीसेट होने के बाद ये एक बार ऑन होगा, होने के बाद आपको वापस इसको बंद कर देना है। बंद करके डाउनलोड मोड में ले आना है। डाउनलोड मोड में लाने आने के बाद आपको इसका फर्मवेयर अपडेट करना पड़ेगा, वो भी ओडिन से ही होगा। और जो जहाँ से मैंने कॉम्बिनेशन फाइल डाउनलोड किया वहाँ से आप भी कर सकते हैं। अगर आपके पास Z3X का बॉक्स नहीं है तो आप किसी दूसरी जगह से फर्मवेयर फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आपके पास पड़ी है तो वो बहुत अच्छा। फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हुआ है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट में लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग सिविल इलेक्ट्रॉनिक्स।